दुनिया भर में जंग की वजह से चल रही अस्थिरता और असुरक्षा के बीच भारत सरकार ने ऐसा ऐलान किया है जो पूरे देश को हैरान कर देगा। दिवाली से पहले भारत ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा अपना 102 टन यानी 1,00,000 किलो से भी ज्यादा सोना देश वापस ले आया है। भारत का यह सोना विदेशी बैंकों में रखा था, जिसे अब अपने देश में रखा जाएगा। पिछले साल भी भारत चुपचाप विदेशी बैंकों में जमा अपना 100 टन सोना वापस ले आया था, यानी एक साल के अंदर अंदर भारत विदेशों से अपना 202 टन सोना वापस ले आया है। सोना हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इस वीडियो में पहले तो आपको यह बताएंगे कि भारत के इस फैसले ने कैसे पूरी दुनिया में हड़क बचा दिया है, उसके बाद आपको सोने पर सुधांशु त्रिवेदी का एक शानदार बयान भी सुनवा जाएंगी। दरअसल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद खराब हालत के बाद भारत सरकार ने अपना सोना विदेशी बैंकों में जमा करवा दिया था। धीरे धीरे भारत का काफी सोना विदेशी बैंकों में चला गया, मगर इस सोने की अब घर वापसी करवाई जा रही है। भारत का सबसे ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है, लेकिन इन दोनों बैंकों से अब सोना वापस लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI के पास 8,547 टन सोना है, जिसमें से अब 5,104 टन के करीब सोना भारत में है, यानी भारत के पास अपने सोने का 60% हिस्सा अब देश में ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे पहला जवाब है कि यह 1991 वाला भारत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब उसे विदेशी बैंकों में सोने को गिरवी या सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि भारत अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा बदलाव कर रहा है। फिलहाल तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है, उसके बाद सोना आता है, लेकिन भारत अब डॉलर की जगह सोने को बढ़ाना चाहता है। दुनिया भर में डॉलर को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भी डॉलर की जगह एक नई कॉमन करेंसी पर चर्चा हुई थी। अब डॉलर को चुनौती देने के लिए नई करेंसी आती है या नहीं, लेकिन सोना सबसे अच्छा विकल्प है। डॉलर कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सोना कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना महंगाई से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। महंगाई में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सोना अपनी कीमत बनाए रखता है। ऐसे में जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, उसके बुरे प्रभावों से बचने का सबसे ताकतवर तरीका सोना है। देश में जितना सोना होगा, देश उतना ही ताकतवर बनेगा। ऐसे में विदेश देश में अपना सारा सोना रखने की कोई जरूरत नहीं है।